हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा रामा हरे कृष्ण जी बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुरुआत करेंगे एक सवाल से, जो सवाल ग्रुप पे भी भेजा गया है, ठीक है, उस सवाल को उत्तर करेंगे, है ना। पहले सवाल पूछेंगे, जो उत्तर करें बहुत अच्छा, नहीं करें तो फिर मैं करने का मैं करूंगा। और यस, फिर इसके बाद कोई भी ऐसी समस्या जो आपको भक्ति करने में विघ्न डाल रही है, कष्ट दे रही है, दूसरों को भक्ति करने में कष्ट दे रही है, आप कोई भी समस्या के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए, आज का संडे स्पेशल होता है, संडे स्पेशल इसलिए होता है कि लोग वापस से रिकनेक्ट करें। देखिए क्या होता है, हम सभी में कुछ ना कुछ भौतिकता है और वो भौतिकता हम बुद्धि से समर्पण करने का कोशिश करते हैं, वो भौतिकता को हम बुद्धि से आंसर करने का कोशिश करते हैं, परंतु अंत तो गत्वा हमें हृदय से ही समर्पण करना होता है। ये जो समझाने की बात होती है वो बुद्धि के स्तर पे तो होती है, परंतु हृदय को छूने वाली होती है। बुद्धि से तर्क से समझा रहे, परंतु हृदय को छूने वाली कहां से होगी, शास्त्र की बात बोल रहे, तर्क से बता रहे परंतु शास्त्र की बात बोल रहे, ठीक। तो आज का संडे स्पेशल, हमेशा संडे को इसी प्रकार से रहने दीजिए कि तर्क पूर्वक चीजों का उत्तर कर रहे हैं, परंतु शास्त्र से ही, शास्त्र के अलग कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट आज की क्लास भी जो होती है 9 PM वाली क्लास होती है, अगर इसका भी आपको रेफरेंस चाहिए कि ये बात कहाँ से बोल दी, ऐसा विचार कहाँ से आ गया, इस प्रकार का थॉट कहाँ से आया, तो वो भी उसका भी रेफरेंस देने का पूर्ण प्रयास किया जाए, है ना। आपको रेफरेंस चाहिए दिया जाए, ठीक है। एज इट इज प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश तो करेंगे अगर किन्हीं को चाहिए, ठीक। परंतु फिर भी बात यह है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रामाणिक स्रोत कौन है, और अगर प्रामाणिक स्रोत है तो फिर हमें रेफरेंस की भी आवश्यकता तो होनी नहीं चाहिए। परंतु ठीक है, कोई अगर दूसरे विचार वाले कोई ज्वाइन कर लिए जो कि समर्पित नहीं है, उनके लिए भी उत्तर तो है। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं वो प्रश्न से कि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भगवान से विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है। एक्चुअली मैं आज बच्चों की क्लास हो रही थी और ऋचा माता जी क्लास देती हैं, तो उस समय एक बात आई कि सब कोई प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, अब पता चला कि विरह में भी प्रेम होता है। अब विरह में प्रेम होता है ये कैसे समझाएं। माता जी ने एक एग्जांपल लिया था और वही एग्जांपल को मैं पहले रखता हूँ। अगर हमसे कोई चीज भुला जाती है, कोई चीज खो जाती है, कोई अनमोल चीज है जिसका हम बहुत मोल करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं,
अगर वो चीज हमसे खो जाती है, हमारी हाथों से निकल जाती है, कहीं चली जाती है, हमको दुख होता है कि नहीं होता? हरे कृष्ण, यस, हमको दुख होता है, नहीं होता? होता है, यस नो, होता है? कृष्णा से अनमोल भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अगर कृष्णा हमारी हाथों से निकल जाए, हमसे दूर हो जाए, विरह होए, विरह मतलब जब हम कृष्णा को अनुभव नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, तब तो हमें बस दर्द होना चाहिए। ये प्रेम की अनुभूति, ये क्या बोलते हैं? विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है। कैसे होगी प्रेम की अनुभूति? जब हमसे कृष्णा दूर हो जाना, सबसे अनमोल है कृष्णा, हमको तो छोटे से छोटा कोई भी अनमोल चीज होता है जो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, है? उससे भी अगर दूर हो जाए तो बड़ा दर्द होता है ना। कृष्णा हमसे दूर हो जाए तो हमको दर्द नहीं होगा, है? प्रेम का अनुभव होगा। कैसे होगा, कोई प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? सबसे अनमोल है कृष्णा, वो हमसे दूर हो जाए तब भी प्रेम की अनुभूति होगी, ये कैसे होगा? हरे कृष्ण, जल्दी बताइए, विरह में प्रेम की अनुभूति क्यों होगी? क्योंकि विरह उनसे हो रहा है जो सबसे अनमोल है। अभी अगर सबसे अनमोल चीज हम आपसे छीन लेंगे तो आपको प्रेम होगा, कष्ट होगा कि प्रेम होगा? दर्द होगा कि प्रेम होगा? बोलते प्रेम होगा, गलत बोलते हैं ना। कृष्णा से विरह में प्रेम की अनुभूति नहीं होनी चाहिए ना। हरे कृष्णा, यस प्लीज बताए। हरे कृष्णा, यस, कृष्णा से विरह में प्रेम की अनुभूति होगी, यस नो, उनको पाने का इंतजार, ओके, यस। एक्चुअली में हम लोगों ने पिछले कल ही दो चीज पढ़ी थी, और उन दोनों को मिला दे तो आंसर है। हरे कृष्ण, यस, कृष्णा से विरह में प्रेम की अनुभूति होगी, कैसे होगी? सोच के बताइए। आपकी कोई अनमोल चीज छीन ली जाए, चली जाए, गोपियों से जब कृष्णा का विरह हो गया तो हम बोलते हैं विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है। मेरे को बताइए तो कैसे होती है? ठीक है, होती होगी, कैसे होती है? उनको पाने का, किसी भी चीज को पाने का इंतजार होता है, सॉरी मैं थोड़ा कुतर्क कर रहा हूं, चला के कर रहा है, किसी चीज को पाने का इंतजार होता है तो प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम अनुभव होता है कि इंतजार होगा? इंतजार में प्रेम कहां से होगा? उनको बारंबार याद करते हुए ढूंढना, बारंबार याद करते हुए ढूंढना। एक बात बताइए, जो चीज चली जाए, सपोज कीजिए, माताओं के साथ अक्सर हुआ होगा कि कहीं पे माताएं कहीं पे गई होंगी, है ना, बहुत माताओं के साथ ऐसा मैंने देखा, माताएं कहीं पे गई होंगी तो क्या होता है कि वो कान में नाक में कुछ कुछ पहनती है ना, गले में भी कुछ कुछ पहनती है, कहीं कुछ गिर जाता है, उनको पता चल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई माता रहती हैं दिल्ली में, वो माता गई पंजाब, पंजाब में गिर गया, अब फिर दिल्ली आकर के वापस से वो सोच रही हैं कि वो तो गिर गया, कुछ भी कान का गिर गया, है ना, कान का गिर गया, पंजाब में गिर गया, अब दिल्ली आकर के उसे ढूंढते रहेंगे क्या? है? कृष्णा जो चले गए वो वापस कैसे आएंगे, कैसे मिल जाएंगे? कृष्णा तो चले गए, विरह में प्रेम कहां से? जब आने की आकांक्षा हो तब तो ढूंढेंगे ना, जब मिलने की आकांक्षा हो, मिलने की उम्मीद हो,
कृष्णा तो छोड़ के चले गए, छोड़ के गए तब कहां से मिलेंगे? उनकी लीला को स्मरण करके, लीला को स्मरण करेंगे तो और विरह होगा। अगर सपोज कीजिए कि भौतिक जगत में कोई आपका, जैसे सपोज कीजिए पुत्र पढ़ने गया, बाहर पढ़ने गया, अब आपको उसके पास्ते ही याद कर रहे, बचपन में वो ऐसा करता था, बड़ा होकर के वो ऐसा करता, भौतिक जगत वाले करते हैं, फिर क्या होगा? दुख ज्यादा होगा कि कम होगा? सच बताइए, दुख ज्यादा होगा कम होगा? लीला को स्मरण करके, कृष्णा के पास टाइम को याद करके तो विरह और अनुभव होना चाहिए, विरह और अनुभव करके तो दर्द और अनुभव होगा। यस, दुख ज्यादा होता है माता जी? यस कि नो? अगर कोई चला गया हो दुख ज्यादा होता है ना? दुख ज्यादा होगा तो प्रेम कहां से अनुभव हो रहा? मन में वही रहते हैं, मन में तो देखिए दो बातें हैं, पहला हम लोग भौतिक जगत में रहने के बाद हमारे मन में कृष्णा रहते हैं क्या? चलिए वो बात हटा दीजिए, दूसरी बात मन में वही रहते हैं, कोई दूर चला गया हो मन में है। माताओं के लिए पुत्र बहुत अनमोल होते हैं, माताओं के पुत्र अगर दूर चले गए मन में है तो क्या प्रेम और अनुभव होगा कि दर्द और अनुभव होगा? जो अनमोल है हमारे पास नहीं है उसका चिंतन चलते रहेगा, चलते रहेगा तो और दर्द करेंगे। प्रेम का अनुभव होगा, मुझे प्रेम की अनुभूति बताइए, प्रेम का अनुभव होता है? सोच के देखिए, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। हम लोगों ने जीवन भर सुना है कि विरह में भी कृष्णा से प्रेम की अनुभूति होती है, एक आश्चर्यजनक बात बताएं, बच्चों की क्लास में किसी ने बता दिया था, उनको देखने का मन करता रहेगा। एक्चुअली में मेरा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अलग था, उनसे सरल क्वेश्चन पूछा था, लगता है सेम परंतु उनसे सरल क्वेश्चन पूछा, उनको एक झलक देखने का मन करता रहेगा। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए वापस से आपका बेटा है चला गया पढ़ने के लिए, 5 साल बाद आएगा है, 5 साल तक इंतजार कर रहा है, आएगा 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 आएगा, आपके इंतजार में दर्द होगा कि प्रेम और बढ़ेगा? आप तो भूलते चले जाएंगे, दर्द भी होगा और धीरे धीरे क्या होगा, भूलते चले जाएंगे। फेडिंग मेमोरी हम लोगों की, भौतिक जगत की मेमोरी कैसी है? फेडिंग। हम लोग आज याद रखते हैं, कल कम याद रखते हैं, परसों कुछ याद नहीं। तो विरह में प्रेम की अनुभूति कहाँ हो रही है? नहीं हो रही ना, परंतु ऐसा होता तो है, शास्त्र में बोला गया, हम लोग तो कई बार जानते हैं। ऐसा क्यों है फिर? या तो फिर गलत जानते होंगे, लोग गलत जानते होंगे, बताइए बताइए, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। कैसे होता है? विरह में कृष्णा से प्रेम की अनुभूति कैसे होती है? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये जड़ जड़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जड़ से जुड़ा हुआ प्रश्न। चलिए, तो पहले 24 जनवरी वाला कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात के शब्द पढ़ते हैं, है ना? एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, अंग्रेजी है विपुल प्रभु जी, हिंदी भेज दीजिएगा क्या 24 तारीख? जी प्रभु जी, फटाफट भेजिए, फटाफट भेजिए, मैं अंग्रेजी भेज रहा हूँ, फटाफट हिंदी भेजिए ग्रुप। यस, जल्दी, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं परंतु हिंदी पढ़ के बताते हैं।
चलिए जब तक भेजते हैं मैं पढ़ता हूँ इसको ट्रांसलेट करके। ओके, पांच और पांच जोड़ने से दस होते हैं, दो और दो जोड़ने से चार होता है, ठीक है, सरल। इसी प्रकार कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है, एनीथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू वृंदावन। हम लोग बेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे वृंदावन बोला गया, वृंदावन बेस्ट है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये हम लोगों ने कोट पढ़ा भी था ना, क्लास में भी पढ़ा था। उसके बाद क्या है, श्री कृष्ण को कभी ना भूलें और आप सदैव वृंदावन में निवास करेंगे। वृंदावन में निवास करने का अर्थ क्या है कि हम कृष्णा को कभी ना भूलें। अब अगर हम कृष्णा को सदैव याद करेंगे, कल की क्लास में लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग अगर मात्र कृष्णा को याद रखें और किसी को भौतिक जगत भौतिकता को याद ना रखें तो कौन सा स्तर होता है, कल रात को लास्ट में पढ़ा, कौन सा स्तर होता है वो, समाधि। तो उस स्तर में हम क्या करेंगे, सदैव कृष्णा को याद कर रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनने लीव किया, किसी एक ने लीव किया, फिर से ज्वाइन कर जाइए, ऐसा मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई मिस ना करे। एक एक मिनट बस, 30 सेकंड्स रुक जाइए, अगर कोई रीज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते ठीक है, कोई बात। हाँ तो ये सिचुएशन क्या है, ये स्थिति कैसी है, समाधि का स्तर कैसा है, समाधि का स्तर है जब हम सदैव कृष्णा को याद करें और भौतिकता में बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल भी पल भर भी भौतिकता में याद, तो समाधि का स्तर है। अब समझिए ये दोनों बात क्या है, समाधि के स्तर में हम कृष्णा को सदैव याद करेंगे और कृष्णा सदैव कहां पे वास करते हैं, एक जगह जहां से कृष्णा कभी नहीं जाते, कौन सा जगह है, कभी नहीं जाएंगे, शास्त्र प्रभु जी ना, कृष्णा एक जगह से कभी नहीं जाएंगे, कृष्णा ने स्वयं प्रॉमिस किया मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। तो जब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वृंदावन, आप सदैव वृंदावन में रहेंगे, मतलब आप हमेशा कृष्णा के चिंतन में रहेंगे, कृष्णा आपको छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। अब जब आप सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, सपोज कीजिए कृष्णा छोड़ करके चले गए, ऐसा प्रतीत तो हो सकता है, लग तो सकता है कि कृष्णा चले गए, परंतु कृष्णा स्वयं प्रॉमिस करते हैं मैं कभी नहीं जा सकता, मैं वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट यही बात वो भगवत गीता में बताते हैं। अब देखिए कितने एंगल से सेम बात हो रही है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कल रात को जो पढ़ा भगवत गीता, भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है, ऐसा बोलते हैं कि सुबह होता है, शाम को होता है, रात को होता है, कृष्णा बोलते हैं सदैव हमेशा। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका चिंतन कृष्णा कर रहे, कृष्णा का चिंतन शुद्ध भक्त कर रहे हैं, तो ये संबंध टूटा कहां से, कोई बोले विरह में तो तब होगा में आ गया था।
कि विरह नहीं हो सकता। यस, समझ में आया था? क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। यस ओके, यस ओके। तो एक्चुअली में विरह तो हो ही नहीं सकता है ना, ओके। ये एक्चुअली में विरह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका चिंतन, आपके हृदय में कृष्णा का चिंतन चल रहा है। कृष्णा सदैव बोल रहे हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा बोलते हैं वृंदावन को मैं छोड़ करके नहीं जा सकता। तो कृष्णा तो भक्तों का चिंतन करते रहते हैं, भक्त कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं, बताइए विरह कहां पे? अब लेवल टू, ये विरह तो मोतियाबिंद जैसे है। मोतियाबिंद होता है तो हमको मालूम है कि चीजें सामने है। जैसे मोतियाबिंद हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, मोतियाबिंद हो गया था, आपको मालूम है प्रभु जी वहां पे बोल रहे हैं पर हमको सुनाई नहीं दे रहा। कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। प्रभु जी वहां पे बोल रहे हैं पर हमको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नेटवर्क में गड़बड़ है, मेरे नेटवर्क में गड़बड़ है, उनके नेटवर्क में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है पर प्रभु जी बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, हमको सुनना है, वो सुनना है। हुआ था ना अभी, सब कोई एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, ये दूसरा वाला पार्ट सुनना है हमको। कौन सा था ये मोतियाबिंद कैसा था? हुआ था ना अभी? ठीक, भगवान करके बता रहे, भगवान अभी भी करके बता रहे। ये वैसे ही मोतियाबिंद है, हमारी आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे कानों को नहीं सुनाई दे रहा है, पर हो रहा है वहां पे, हो रहा है। हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो रही, हो सकता है आंखों के ऊपर कुछ आ गया। परंतु ऐसा नहीं है कि कृष्णा वहां से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है ना। और जब ये अनुभूति होती है ना, तब हमको विरह का अनुभव होता है, तब हमको विरह का अनुभव कि हमारी आंखें खराब हो गई है। ऐसा थोड़ी ना है कि कृष्णा हमसे बात नहीं कर रहा, कृष्णा हमारे हृदय में भी स्थित होकर के हमारी बातें सुनते रहते हैं। हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, है ना। परंतु हम जब देखते हैं कि हम कृष्णा से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, कृष्णा सुन रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, आपने कुछ हृदय में चाहा कि मैं किसी प्रकार से ये कर लूं, किसी प्रकार से वो कर लूं, वो हो गया, होता है ना। इनफैक्ट कल की क्लास में, आई थिंक कल की क्लास में, कल ही की क्लास थी शायद, याद है, मेरे हृदय में ये डाउट आ गया था शायद आज दर्शन करने में थोड़ा कष्ट हो जाए। अगर आप मेरे शब्दों को, अगर 7:45 जब क्लास खत्म हुआ था तो आप लोग सुने हो, कल ही की क्लास थी, कल की थी या परसों की थी, कल ही की थी, सुने हो तो साफ साफ मैंने बोला था, मालूम है बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सब हो गया, दर्शन नहीं हुआ। कृष्णा पहले से ही गाइड कर रहे, तुम क्यों जा रहे हो आज, आज दर्शन नहीं हुआ। आज इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि विग्रह की सेवा होती रहती है और मेरे को पता होता है कि क्या होने वाला है। आज भी हुआ, आज सुबह हुआ था या कल सुबह हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को पता था एग्जैक्टली ये होने वाला, और वही होता है। तो ये एक्चुअली में भी समझिए, कोई स्पेशल नहीं है, कोई श्री राम खंडेलवाल के साथ स्पेशल हो गया, नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ये सीधी सी बात है, कृष्णा रेसिप्रोकेट किया, आप सुन लिए तो बता रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। कृष्णा तो बोल रहे, आप सुन लीजिए तो ठीक है, नहीं सुनिए तो ठीक है। आपके सुनने और नहीं सुनने से कृष्णा अपना डिसीजन चेंज नहीं करने,
हम लोग अपने हृदय की बात बहुत बार नहीं मानते, कृष्णा जो अनुभूति हमें देते हैं हम वो नहीं मानते, तो हम लोग क्या करते, कष्ट सहते नहीं सकते, सहते नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा तो हमसे बात कर रहे हैं, हम नहीं सुनते तो हमको विरह का अनुभव होता है, हम सुन लेते हैं तो विरह नहीं होता। हम जब समझ नहीं पाते, जो बच्चा छोटा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, माता समझ नहीं पाती है पुत्र क्या बोल रहा है। पुत्र अगर दूध मांगता भी है तो माता को समझ में नहीं आता। कोई चीज मांगता है, किसी चीज में कष्ट में रहता है, बहुत बार माता को नहीं समझ में आता क्या इसको दर्द हो रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है, माता को समझ में नहीं आता। तो बारंबार ये अनुभव करती है कि मैं, मेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही, जबकि वो तो माता का अंश है। माता पुत्र को जितना जानती है, पुत्र भी शायद अपने आप को उतना नहीं जानता होगा, है? बहुत बार ऐसा होता है, माता को पहले पता चल जाता है। परंतु सोचिए, जब हम कृष्णा बोलते रहते हैं और हम नहीं सुनते हैं, तो तब हमें विरह की अनुभूति होती है। इनफैक्ट हमारी कोई भी इंद्रियां है, हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, मन, बुद्धि, अहंकार, हम किसी भी इंद्री से भगवान को अनुभव नहीं कर पाते तो बड़ा विरह का अनुभव होता है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, भगवान को अर्पित पुष्प होते हैं, है ना? अब पुष्प को क्या करते हैं, आप लोगों को बताया है, पुष्प को क्या करते हैं, पुष्प का 2 काम करते हैं हम। उच्च तो यही है कि भगवान को अर्पित कर दे, भगवान के विग्रह घर में जो भी हो उन्हीं को अर्पित कर दे। दूसरा क्या करते हैं, अधिकतर लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, अपने धारण कर लें, भगवान का पुष्प है अपने पहन दिया। अब क्या होता है, पुष्प को सूंघने का कोशिश करते, सभी को ये अनुभव करते हैं। देखिए, हमारी नाक को वही सूंघना चाहिए जो कृष्णा को अर्पित हो, हमारी नाक को कुछ और नहीं सूंघना चाहिए। अगर कृष्णा को अर्पित नहीं है तो हमको सूंघना का कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को प्रसादम भी वही पाना चाहिए जो कृष्णा को अर्पित हो। अभी क्या होता है, कभी कभी हम कृष्णा को अर्पित करते हैं परंतु पुष्प से वो सुगंध नहीं आती है। सपोज कीजिए, मैं पुष्प लेकर के गया आपके पास, आप सूंघ रहे हैं, आपको सुगंध नहीं आ रही है, नाक खराब है, आपको वापस से वही विरह का अनुभव होगा, वही विरह का अनुभव। ये कैसी नाक है जिससे हम कृष्णा के अर्पित पुष्प को भी सूंघ नहीं पा रहे, क्या लाभ है इस नाक का। ठीक वैसा ही गोपियां ये बात बोलती हैं कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख, मतलब समझिए वो एक्सट्रेसिव भाव में बोली, ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख, उन्होंने आंख तो बनाई पर आंखों के आगे ये पलक भी बना दी। जब हम कृष्णा का दर्शन करते रहते हैं तो बार बार ये पलक हमें कृष्णा का दर्शन करने से रोकती है। सोच के देखिए किस प्रकार का दिव्य प्रेम है, वो विरह का अनुभव कर रही, आंखों के आगे कुछ आ गया, इंद्रियों के आगे कुछ आ गया। अगर हम शुद्ध प्रेम में स्थित रहें, समाधि के स्तर पर रहें, तो हम भगवान से कभी दूर नहीं हो सकते, कभी दूर नहीं हो सकते।
आई होप सभी को समझ में आए हो। और विरह में प्रेम कैसे अनुभव होता है आप सभी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि विरह एक स्तर से तो कभी होता ही नहीं है और दूसरे स्तर से विरह तो होता है परंतु वो हमारी अनुभूति है कि वो हो रहा है, परंतु शुद्ध रूप से विरह नहीं है। अब जिनकी भी जो भी बातें हैं, कोई भी कष्ट हो रहा है, जल्दी से लिखिए, चैट में लिखिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए। कोई भी कष्ट हो रहा है भौतिक जगत में रहते हुए, ये कष्ट हो रहा है या फिर ये लोग हैं जो भगवान का प्रचार ढंग से नहीं हो पा रहा है, इनके कारण कष्ट आ रहा है, इनके ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम भक्ति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत भक्ति से संबंधित, आप प्लीज बताइए, शास्त्र सम्मति उत्तर में चिंता। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी है। कोई एक टॉपिक था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो टॉपिक था परंतु मैं भूल गया, और मेरे को लगा कि आज आप लोगों के जो भी भौतिक जगत से संबंधी बता दीजिए, आप लोगों को कोई भी कष्ट हो रहा है, कुछ भी कारण से आप भक्ति नहीं कर पा रहे, कोई भी एक कारण, बहानेबाजी को साइड में रख दीजिएगा आज के बाद। और अगर कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को कोई भी कष्ट हो रहा है, तो फिर तो आप लोगों को फिर तो आज्ञा पालन करना चाहिए। अगर सच में किसी को कष्ट नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं है, फिर तो आज्ञा पालन कीजिए, फिर तो शुद्ध शुद्ध भक्ति कर लीजिए सीधा सीधा। फिर तो मलिनता रहनी नहीं चाहिए। देखिए, कहीं पे द्वंद होता है तो वहां पे कष्ट होता है, द्वंद ही नहीं। यस, नमस्कार। हरे कृष्णा। ओके, नहीं, यस, किन्हीं को पूछना है? अच्छा, हरे कृष्णा गुरु जी। वी मटीरियलिस्टिक पीपल जनरली कमिट ऑफेंसेस। देखिए, पहला अगर आप समर्पित हैं, अगर आप समर्पित हैं तो आप भौतिकवादी हैं कि नहीं है वो आप नहीं बताइएगा, वो गुरु बताएंगे। ठीक है, फॉलन कंडीशन में आप अपने आप को मटीरियलिस्टिक बोल सकते हैं, परंतु अगर आप समर्पित हैं तो या तो गुरु के शब्दों के अनुसार आप अपने आप को भौतिकवादी देख रहे हैं तो सही है ना। बताया कि ये इंद्र तृप्ति की भावना नहीं होनी चाहिए, आपने देखा इंद्र तृप्ति। अगर हम बस ऐसे ही, सॉरी एक बार पहले समझाने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग ऐसे ही लिप सर्विस के लिए, लिप सर्विस मतलब समझ लो बोलने के लिए, ताकि अच्छा लगे, हम बोलने लग जाए कि हम तो भौतिकवादी, हम तो अधम है, हम तो पतित है, हमको तो कुछ नहीं आता, जनरली लोग ऐसा करने लग जाते हैं, आप नहीं कर रहे हैं परंतु जनरली लोग ऐसा करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर कभी भी पतित अवस्था से निकलेंगे ही नहीं। इसीलिए हमको गुरु के हाथों की कठपुतली रहना। गुरु बोले भौतिकवादी हो तो भौतिकवादी हो, गुरु बोले कि भक्ति कर रहा तो भक्ति कर रहा, गुरु बोले कि पतन से भरे हो तो पतन से भरे हो, गुरु बोले प्रयास कर रहा प्रगति कर रहा हो तो प्रयास कर रहा प्रगति कर रहा, तो गुरु बताएंगे हमको क्या, हमको नहीं मालूम। ठीक है, गुरु के शब्दों के अनुसार आप देखें तो देख सकते। ठीक है, चलिए, तो हरे कृष्णा गुरु जी। वी मटीरियलिस्टिक पीपल जनरली कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट कृष्णा एंड द डिवोटीज। नहीं कर सकते, वापस से वही बात, गुरु ने आज्ञा दी है क्या, कैसे कैसे आप ऑफेंस कीजिएगा, कैसे मेरे को करके बताइए कैसे कीजिएगा। And the devotees, we when we do not want to do this,
हम करना नहीं चाहते पर करते हैं, ठीक है। देखिए यही बात है, आज्ञा पालन कीजिएगा तो पाप नहीं कर पाइएगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर आज्ञा पालन कीजिएगा तो पाप नहीं कर पाइएगा। करने का कोशिश कीजिएगा, कर नहीं पाइएगा। कोई अगर गुरु की आज्ञा पालन करके पाप करने का कोशिश करे, नहीं कर सकता, उसको गुरु को पहले त्यागना पड़ेगा फिर पाप करेगा, पाप बाद में करेगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। When we do not want to do this, but due to material reasons, it happens. भौतिक reason होते ही नहीं है, reason आध्यात्मिक होता है। अगर हम कृष्णा या भक्तों के प्रति अपराध करें तो हमारी भौतिकता जरूर होती है, परंतु आध्यात्मिक कारण होता है। आध्यात्मिक कारण क्या? गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, गुरु की अवज्ञा करना, है ना, नाम अपराध, उसी कारण कर। As Krishna can forgive offenses made for him, but not the offenses made for his devotees, what to do? देखिए सबसे पहले तो आप गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप समझिए, गुरु आपको ये नहीं बोलते, कोई भी गुरु आपको ये नहीं बोलेंगे, जो शुद्ध भक्त होंगे वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको आज से अपराध मुक्त हो जाए, परंतु वो हमेशा ये बात बोलेंगे कि आपको अपराध मुक्त होने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग सभी अपराध किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कर, परंतु आगे चल के अपराध से मुक्त होना, अपराध से मुक्त होना कैसे? आज्ञा पाके, आज्ञा पाके हमको क्या करना? आज्ञा का पालन करना। जो अपराध कर रहे हैं बताते जी, कृष्णा के प्रति आप अपराध कर ही नहीं सकते। देखिए कृष्णा के प्रति अपराध कीजिएगा, एक्चुअली मैं कृष्णा माफ कर दूंगा, परंतु सबसे पहले तो आप गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं, फिर भक्ति कैसे कीजिएगा? पहले ये बताइए, आगे की बात आगे जानेंगे, पहले भक्ति कैसे कीजिएगा? गुरु के प्रति अपराध कीजिएगा, गुरु की अवज्ञा की है तभी कृष्णा के प्रति अपराध किए, अब भक्ति कैसे कीजिएगा? आगे भक्ति कीजिएगा कैसे? गुरु के हेतु की कृपा के बिना भक्ति कीजिएगा कैसे? दीजिए भक्ति नहीं हो सकती। बहुत दिव्य ज्ञान है ये वही बात है कि श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करते हैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की भक्ति करते हैं श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता। हम लोग चैतन्य चैतन्यमृत में देख रहे थे, है ना, गुरु चैतन्य महाप्रभु का विस्तारित रूप जाना जाता है, नित्यानंद प्रभु का विस्तारित रूप जाना जाता है, या श्रीमती राधा रानी महारानी का विस्तारित रूप जाना जाता है, तो विभिन्न अंश जाना जाता है, विस्तारित रूप नहीं बोलना चाहिए। तो आप समझिए कि गुरु की कृपा के बिना कृष्णा मिलेंगे कैसे? कृष्णा कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। तो गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भक्ति कैसे कीजिएगा? पहले मुझे ये बताइए, आगे की बातें आगे समझिए। गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं उनकी आज्ञा नहीं मान के, कृष्णा कैसे मिलेंगे? बैड फीलिंग, अब बैड फीलिंग गुड फीलिंग हटा दीजिए, आप क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली में उसका कोई अर्थ नहीं है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो शास्त्र संबंध, आप क्या फील करते हैं उससे कोई अर्थ नहीं है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मैं क्या करूँ, बहुत बुरा लग रहा होगा मैं क्या करूँ। अब मेरे को ये बताइए भक्ति कैसे कीजिएगा गुरु की कृपा के बिना? कर सकते नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं गुरु के हाथों की कठपुतली हमको बन करके कार्य करना, जो गुरु बोले वो करना, नहीं बोले नहीं करना, जीवन कितना सरल है, चल दीजिए।
अब क्या है, हम अपने इच्छा अनुसार करेंगे तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। देखिए सामने है, फंस जाते हैं। प्लीज डर करके ये मत कीजिए कि जिज्ञासा नहीं पूछेंगे। मेरा बारंबार रिक्वेस्ट यही है, गलती कीजिए, एक कीजिए, दो कीजिए, दस कीजिए, कीजिए, पर करने के बाद सबसे पहले पूछिए क्या कैसे करें। अभी क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले गए, तमोगुण में चले गए, भटकाव में चले गए, मुक्तता में चले गए, अपने आप को समझ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, भक्ति से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ये सब मत कीजिए, पूछिए, जो भी पूछना पूछिए, बारंबार पूछिए, है ना। फिर से मैं कहीं मन से नहीं बता रहा, नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध है, यस नो, यस। एक काम कीजिए, मेरे को दो यस बताइए, पहला गुरु की अवज्ञा करना अपराध है, दूसरा गुरु हमेशा ये बताते हैं ना, कृष्णा कृष्णा का पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए, दोनों यस है ना, है ना, तो बताइए। तो फिर हम गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर भक्ति कहां से करेंगे, आप बताइए, भगवान कैसे मिले, कृष्णा कैसे। लोग सोचते यही हैं कि हमारा कृष्णा से डायरेक्ट संबंध। अरे देखिए प्लीज मूर्खता में छोड़िए भाई, छोड़ दीजिए मूर्खता को, कृष्णा से आपका इतना ही दिव्य संबंध पहले से ही स्थापित होता ना, तो आप इस भौतिक जगत में आते ही नहीं। और अगर भौतिक जगत में आते, प्लीज मान ले, अगर आपका कृष्णा से इतना दिव्य संबंध स्थापित हो गया, किसी का बोले कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी जो भी बात सुने सब कोई भक्त बन जाना चाहिए, आप मुख से नाम लीजिए सब भक्त बन जाना चाहिए, आपके आज्ञा अनुसार लोग भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए, आपके बोलने से शुद्ध भक्त हो जाना चाहिए, कोई पाप कर्म में जुड़ा हुआ है फट से छोड़ देना चाहिए। नारद मुनि के जाने से तो मृगारी छोड़ दिया ना, पाप कर्म छोड़ दिया ना। और मैं वही चैलेंज अपने लिए भी लेता हूं, मैं उतना शुद्ध तो नहीं हूं, मैं तो अपने आप को भक्त भी, आप लोग जानते हैं नहीं बोलता, भक्त बनने का प्रयास, परंतु वही चैलेंज कि आप लोगों के हृदय में बदलाव आ रहा है, आपकी मलिनता छूट रही है। अगर आंसर नो तो मैं क्लास लेना बंद कर, क्या मलिनता छूट रही है सभी की, हाँ या ना, बुरे बुरे कार्य करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, हाँ या ना, सच बताइए, झूठ मत बोलिए, मेरे को झूठ नहीं चाहिए, है ना, और कोई सोलेस नहीं चाहिए। अरे प्रभु जी सभी की मलिनता कम हो रही है, सच सच बोलिए, सब कोई जो भी स्थिति रहती है, थोड़ी थोड़ी मलिनता कम हो रही है ना, हृदय शुद्ध हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो इस देखिए, सपोज कीजिए कोई नदी बह रही है, नदी बह रही है, और नदी के बहने से पूरा शहर पवित्र हो जा रहा है, आप उस नदी को बीच में अवरोध क्यों पहुंचाना चाह रहे, आप रोकना क्यों चाह रहे। ये आध्यात्मिक ज्ञान जब आपके शरीर में जा रहा है, आपके हृदय में जा रहा है, तो सब बदलने बदल रहा है, आप उसको रोक क्यों रहे, आप आज्ञा पालन क्यों नहीं कर रहे, या तो बदल रहा है या तो नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा मैं तो क्लास लेना छोड़ दूंगा। एक बात बताइए, आज जो जाने थे विरह में भी प्रेम का अनुभूति, हम लोगों ने बहुत बार सुना है, कभी भी कहीं भी कैसे भी आपने जाना है क्या कि ये कारण है कि विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है, यस नो, सच सच बोलिएगा, इससे पहले कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, सच सच बताइएगा, विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है, कहीं पे भी जाना है,
सच बोलिए, यस है तो बोलिए, झूठ नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ मेरे को नहीं चाहिए, झूठ जिसको सुनाना है सुनाइएगा हमारे सामने। प्रेम प्रभु जी यस, आपने सुना है, इससे पहले सुना है, कहां पे सुना है, इससे पहले कहीं पे जाना था, विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है, इससे पहले कहीं पे जाना था। अगर आंसर यस है तो अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर से नो लिख दीजिए, सच बताइएगा, झूठ मत बोलिए। हाँ आंसर यस है तो, यस है तो बताइए कहां पे सुना था, विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है, ये कहां पे। प्रभु जी उद्धव जी जब आए और हाँ। उन्होंने बताया जब कृष्णा चले गए थे तो उद्धव जी को भेजा, तो उन्होंने भाई गोपियों को समझाओ जाके हाँ। तो उनको गोपियों को विरह था लेकिन प्रेम में कमी नहीं, नहीं, नहीं। वो तो ठीक है, परंतु कैसे प्रेम होता है, हृदय से, हृदय से तो होता है, परंतु क्या गोपियां उद्धव उद्धव एक्चुअली में जो प्रभु जी बोल रहे हैं वो उद्धव गीता है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब जब गोपियां ये बताती हैं तो हमको ये समझ में आता है क्या कि गोपियों को विरह में प्रेम कैसे अनुभव हो रहा है, क्योंकि गोपियां कभी देखना छोड़ ही नहीं रही है। जैसे कोई आपका भाई है चला गया तो उसके विरह में आदमी को तकलीफ होती, प्रेम की वजह से तो होती है नहीं, वो दर्द होता है, हमको हमेशा दर्द होता है, भौतिक जगत में हमेशा दर्द होता है। कभी हम एक्चुअली में सोचते हैं भौतिक जगत में, सच बताएं वियोग प्रेम नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता, भौतिक जगत में प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं, प्रभु जी का नाम भी प्रेम, भौतिक जगत में प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं, आपका नाम जरूर प्रेम है, आप हैं प्रेम, परंतु भौतिक जगत में प्रेम जैसा कुछ नहीं है। भौतिक जगत में क्या है कि हम सोचते हैं कि ये प्रेम है, एक्चुअली में मालूम है क्या, हम कृष्णा का रिफ्लेक्शन उसमें देखना चाहते हैं, अब कोई कृष्णा के गुण प्रकट करके दिखा दे तो हमको प्रेम की अनुभूति होती है, नहीं तो कोई प्रेम नहीं। अब माँ से कैसा होता है, माँ से कैसा होता है, कृष्णा का जो प्रेम है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसको रिफ्लेक्ट करके दिखा देती है, ठीक है, उसी लिए हमको प्रेम की अनुभूति होती है, नहीं तो प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने आपने ठीक कहा, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मोह को प्रेम समझ बैठे, नहीं प्रभु जी यहाँ पे तो कोई प्रेम, हाँ यहाँ पे बस मोह, हम सोचते हैं एक्चुअली में मालूम है क्या, प्रभु जी ने अनुभव किया हुआ है, सबको ये देखते हैं कि हम भौतिक जगत में जब जब प्रेम की कामना करते हैं तब तब ठोकर मिलती है, तब तब ठीक कहा, मोह मोह चाहे शुरू में मिलता है चाहे बाद में मिलता है, हमको बस ठोकर मिलती है, हम गए थे प्रेम ढूंढने, ठोकर मिल गया। प्रभु जी प्रेम तो असल में आपने सिखाया, हरी हरी, मैंने नहीं सिखाया प्रभु जी, नहीं नहीं आप ही सिखा रहे हैं, इसके पहले मुझे किसी ने सिखाया, मैं आपको आपसे सीखने का इंतजार भी करता रहता हूँ, मैं नहीं सिखा रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो जैसा प्रभु जी बोल रहे, वियोग में कोई प्रेम नहीं, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि वियोग में हम प्रेम अनुभव करते हैं, वो बस हमारा, जैसे प्रभु जी बोल भी रहे थे, हमारा बस मोह होता है, मोह में हमको ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। एक्चुअली में सोच के देखिए ना कितनी अनोखी बात है, जब तक कोई शरीरधारी रहता है तब तक हम उससे झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, और जिस दिन कोई शरीर त्याग दिया, हम सुन भी लेते हैं, सबसे पहले मुंह से निकलता है वो कितना अच्छा भला इंसान था, निकलता नहीं निकलता, सबको ही वो कितना अच्छा था है? अभी हम दो दिन पहले उससे झगड़ा किए थे, दो दिन पहले बहुत बड़ा विवाद हुआ था, और सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कितना अच्छा, ये कोई प्रेम थोड़ी ना था हमको उससे, ये तो हमको अपना संबंध उससे वापस चाहिए था, ये मोह होता है।
मोह में हम संबंध को त्यागना नहीं चाहते। हरे कृष्ण। तो देखिए यही है कि कोई भी किसी प्रकार से भौतिक जगत में कोई प्रेम नहीं, ठीक है। हाँ, प्रेम की अनुभूति होती है, हम सोचते हैं कि प्रेम होता है, प्रेम होता है, परंतु प्रभु जी का नाम प्रेम है। अगर प्रभु जी को प्रेम जानते हैं, हाँ प्रेम है, नहीं तो भौतिक जगत से कोई प्रेम नहीं। अरे कृष्ण, नहीं प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, भौतिक जगत में मोह और स्वार्थ है सब, बिल्कुल, लेकिन हमारा आपका संबंध भौतिक जगत वाला नहीं है। हाँ, ये आध्यात्मिक संबंध, और अगर अगर आध्यात्मिक संबंध नहीं है ना, तो फिर मेरे रहने का कोई मतलब ही नहीं। मैं वही तो आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक ही लगाव है आपसे। अगर लगाव क्या, प्रेम है आपसे, और उसके बाद हमको सब, आप और ऋचा जी हमारे लिए भगवान कृष्ण बन के आ गए हो। सच कह रहा हूँ मैं, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ऋचा माता जी, मुझे रास्ता ही नहीं मिलता, आप न मिलते तो रास्ता ही नहीं मिलता। कृष्णा कुछ ना कुछ करा, किताब पढ़ता रहता मैं। किताब पढ़ते रहते, हम सोचते हैं कि हमको समझ में आ रहा है, किताब पढ़ के अपने आप को मूर्ख कर, सबको ही ऐसा करता। बहुत किताबें मैंने पढ़ी है लेकिन सब भूल गए पढ़ने के बाद। सब भूल गए लेकिन बरसाना नहीं भूले। हरी बोल, हरी बोल। वैसे वैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं प्रभु जी की महिमा नहीं कर रहा, सच है। हम लोगों में शायद सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो शायद प्रभु जी, हम लोगों में सबसे ज्यादा पढ़ा, हम सभी में बहुत ज्यादा, बहुत बहुत एडवांस लेवल। तो ये प्रभु जी की बात तो मतलब हमारे लिए बहुत ही, प्रभु जी हमने रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ा, हमने विवेकानंद को बहुत पढ़ा, योगानंद को बहुत पढ़ा, परमहंस जी ने तो बताया भी कौन कौन शिष्य उनके, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उनके पास रिबॉर्न होकर के आए, ये उन्होंने स्कैन करके बता भी दिया। करने दीजिए प्रभु जी, क्या करें एक्चुअली। लेकिन लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपसे मिल रही, थ्योरेटिकल तो किताबों से मिली। प्रभु हमने बहुत पढ़ी है, इतनी ज्यादा लाइब्रेरी हमारी बड़ी है कि मैं चिंता करता हूँ इसका होगा क्या। सभी को बोलिए कृष्णा की भक्ति करने लगी। तो हमने किताब पढ़ना बंद कर दिया, संयोग से ऋचा जी का मैसेज आ गया, मैं आपसे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद मेरी हिम्मत नहीं कि मैं छोड़ सकूंगा। बिल्कुल मत छोड़िएगा, वृंदावन पहुंच जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। आ जाइए, अभी अभी करवा लीजिए, मैं अभी कराता हूँ, मैं इंतजाम पूरा करा लीजिए, सबको वृंदावन आ जाइए। जो भी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण जो भी भक्ति करना चाह रहे हैं उन सभी को वृंदावन में वास करने का हृदय तो रखना ही चाहिए। ठीक है हम नहीं वास कर पाए, परंतु हृदय तो हमारा पूरा यही होना चाहिए कि वृंदावन, कृष्णा जब बुला ले, श्रीमती राधा रानी महारानी जब बुला ले, उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं। यस, किन्हीं की कोई भी बातें तो बताइए, प्लीज बोलिए, आप रोकिए मत। अगर कोई भी मलिनता है, कोई भी बुराई है, देखिए दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है, या तो आप में भौतिकता शून्य हो गई, अगर शून्य नहीं हुई, कोई भी कष्ट आता है बताइए, उससे मुक्त होइए। अगर आप अपनी गंदगी से मुक्त नहीं होइएगा तो भक्ति नहीं कर पाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर पाइएगा, मलिनता से मुक्त होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, सभी को होना पड़ेगा। यस, हरे कृष्ण, बताइए, कोई भी कष्ट नहीं है पक्का, मेरे को तो लगता है मेरे को। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। यस मतलब पूछिए पूछिए, वो मुझे पूछना था कि
मतलब भौतिक जगत में जो गलत है उसको नॉर्मल कह के प्रेजेंट कर देते हैं कि ये नॉर्मल है, तो जिस मुझसे ही कहा गया ये बहुत नॉर्मल है, अभी तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो, तो मैं मतलब उन्हें थोड़ा कन्विंस नहीं कर पाई कि ये गलत है। ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने के बाद मेरे लिए वो चीज़ गलत हो गई, पहले भी मेरे लिए वो गलत ही थी, तो मुझे कहा गया कि ये नॉर्मल है, तुम पता नहीं क्यों इसे गलत समझ रही हो। तो मैं ऐसे एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीज है जो कहा जाता है भौतिक जगत में कि ये नॉर्मल है, मतलब सबका दिमाग आउट ही हो गया है कि जो गलत है उसको नॉर्मल कह के चला ले रहे हैं, तो थोड़ी अजीब लगती है। भक्ति के लिए तो बहुत ही अजीब है, पर डेली लाइफ के लिए भी बहुत अजीब है मेरे लिए। माता जी दो बातें हैं, देखिए एक है आपके लिए, दो बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक है आपके लिए, एक है बोलने के लिए दूसरों के लिए, ठीक है। मैं इसको इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड बोलता हूं, समझ गई, इंटरनल वर्ल्ड अपने अंदर के लिए और एक है बाहर के लिए। देखिए सबसे पहले हमको इंटरनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, अंदरूनी तौर पे हमको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाहर हम क्या बोले, क्या नहीं बोले, कैसे बोले, कैसे करें, क्या करें, वो सब बाद की बातें। हो सकता है हम दूसरों को कुछ नहीं बोले पर इंटरनली तो बहुत स्ट्रांग होना पड़े। प्लीज माफ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए व्यभिचार करना, भौतिक जगत में गलत कार्य करना, भौतिक जगत में पशु हत्या करना, भौतिक जगत में गैम्बलिंग करना, भौतिक जगत में कुछ भी गलत कार्य करना बहुत नॉर्मल है। परंतु मेरे लिए नहीं, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड, लोग क्या करते हैं करने दीजिए, मेरे को नहीं साथ देना, ठीक है, क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अपने लिए एकदम स्ट्रांग रही, हमारा मापदंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं डिगेंगे। भौतिक जगत में अंग प्रदर्शन बहुत नॉर्मल है, हम क्या जाकर के अंग प्रदर्शन करेंगे, नॉर्मल है कि नहीं है? भौतिक जगत में हर किसी को देखते हैं ना, अंग प्रदर्शन कर, हम क्या कर देंगे? भौतिक जगत में चिल्लाना बहुत नॉर्मल है, हम क्या चिल्लाएंगे? कोई आपको डिस्टर्ब करे, अभी मंदिर की बात है, अभी दर्शन करने के लिए आपको एक रियल अभी बता, अभी का कैमरा इस साइड होता नहीं है, नहीं तो आपको कैमरे में भी दिखा, कैमरा उस साइड रहता है, अगर इस साइड हो तो मैं आपको लाइव दिखा सकता। होता कैसा है कि दर्शन करने के लिए सबको ही आते हैं। अब भौतिक देखिए आ तो गए भगवान के पास, अब परंतु बात क्या है, सब में भौतिकता शेष है, तो अब वो भौतिकता भी प्रदर्शित करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे कैसे होंगे, वो थोड़े तो बदमाशी करेंगे ना। अगर बच्चों से बदमाशी ही हटा ले, बदमाशी मतलब नटखटपना, बदमाशी मतलब ये नटखटपना, अगर नटखटपना ही बच्चों से हटा ले तो बच्चे ही कहाँ रहेंगे? तो बच्चे क्या कर रहे हैं, लास्ट में आए बच्चे घुस करके दर्शन करना है, तो बच्चे तो वैसा करेंगे ही ना। अब अगर सपोज कीजिए कोई उनको डांट रहा है कि तुम ऐसे नहीं खड़े हो सकते, वैसे नहीं खड़े हो सकते, तो आप समझिए कि ये बच्चों का तो हृदय नहीं हो सकता ना कि इस प्रकार से कोई बोले। अगर बच्चे किसी प्रकार से वो कर ले तो आप इसको गलत समझेंगे कि नहीं समझेंगे? लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, नियम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब साइड हटेगी। बच्चों का क्या गुण है, वो नटखट रहेंगे। अगर वो अपना गुण ही प्रदर्शित कर रहे हैं और कोई उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए डांट रहा है
तो फिर उसको बच्चा नहीं रहना चाहिए था, बड़ा बन जाना चाहिए था, बड़ा बन के वो और सभ्यता से कार्य करने का करता, फिर उसको डांटता तो हो सकता है डांटना भी सही होता। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी एग्जाम्पल है, आज ही अभी कही उसी टाइम एक बूढ़ी माई आती, एकदम बूढ़ी बेचारी, चल नहीं पा रही है ना, पूरा जॉ पूरा दिख रहा है, गाल पूरा दुरु, लाठी शायद लेकर के, थोड़ी कुबड़ी सी, वो आती है पीठ पे कुछ हाथ रखती है, तो मेरे को समझ में नहीं आता, मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो बूढ़ी दिखती, मैं आगे खड़ा हुआ था, मैं बस हल्का से पूरा पीछे हट गया ताकि माँ दर्शन कर ले, बूढ़ी माँ दर्शन, वो दर्शन कर ली। अब एक बात बताइए, अगर मैं आगे खड़े रहता मेरे को कोई हटा नहीं सकता ना, अगर आगे खड़ा रहूं तो खड़ा हूं, अब वो देख ली दर्शन कर ली तो खुश हो गई। आप समझिए लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कैसे करेंगे वो सब हटा दीजिए, लोग उसको कैसे समझते हैं कैसे नहीं समझते वो हटा दीजिए, हमको क्या करना है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होना चाहिए, है ना। लोग बोलेंगे हम तो आगे लगे हुए, हम तो आगे ही रहेंगे, ठीक है आप आगे रहिए दर्शन कीजिए, परंतु कभी स्थिति ऐसी आ जाए तो आपको दर्शन, दूसरों को भी दर्शन कराने का हृदय रखना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप अपना कार्य कीजिए, परंतु कहीं पे एक हायर स्टैंडर्ड आ जाए तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। अब बाकी दूसरे की बात है, देखिए भौतिक जगत में तो सब गलत ही चलेगा, यहाँ पे आकर के आप अच्छा का उम्मीद कर रहे हैं तो ये गलत है, यहाँ पे सब गलत करेंगे। हमको ये समझना हम किस तरीके से अपना छोटा सा रास्ता निकाल करके भक्ति के लिए आगे, सब गलती करते रहेंगे इस जगत में, सब गलत कर रहा है, आप छोटा सा रास्ता अपने लिए निकाल लीजिए तो किस तरीके से भगवान के रास्ते चलिए, आप सही रास्ते चलिए। आप ये मत सोचिए कि लोग सही हो जाएंगे, लोग सही नहीं होंगे माता जी, प्लीज नोट कर लीजिए, लोग सही नहीं होंगे, 1000 में से 999 तो गलत ही कर रहा है। अब वो क्या बोलेंगे कि 999 जो कर रहा है वो गलत कर रहे हैं, अपने घर में सभी ने सुना है ना, यहाँ पे आए हैं तो ये तो होते ही रहेगा, ये सब तो होते रहता है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, जीवन में आए हैं तो ये सब तो होगा, जीवन है तब तक तो कष्ट है, ये सब सुना है कि नहीं सुना, सबने सुना है कि नहीं सुना, हरे कृष्णा सच सच बोलिए, सबने सुना है ना, कोई है ऐसे जो जिसने नहीं सुना, सबने सुना है ना, जीवन है तो यही सब होता है, इसमें यहाँ पे तो होता ही है, ये कौन सा नया बात है, सुना है ना माता जी। यस प्रभु जी, और सुना रहे थे कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए, नहीं सब कुछ ये भी है, हम सब कुछ के लिए नहीं बने, हम सब कुछ के लिए नहीं बने, तो एक काम कीजिए, व्यभिचार भी करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने लग जाइए, समझिए सब कुछ ट्राई करना चाहिए है? तो फिर एक काम कीजिए, बड़े से बड़ा ड्रग्स भी ट्राई करने लग जाइए, सब कुछ ट्राई करना, एक बार जहर भी ट्राई करके देखिए, सब कुछ ट्राई करना है ना, करके देखिए, ऐसा बोल सकते हैं ना प्रोफेसर, जैसे कोई कहे तो। माता जी देखिए, जो समझिए, जो गलत विचार वाले हैं उनको समझा के भी क्या होगा, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, सही रास्ते चलना चाहते हैं उनको समझा सकते हैं, जो सो रहे हैं उनको उठा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उनको क्या उठाएंगे, जो अपने आप को दिखाना चाहते कि हम भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे उनको क्या समझा सकते, उनको समझा सकते हैं, जिनको भक्ति करनी है उनको समझा सकते, जो भक्ति करने में संघर्ष कर रहा है उनको समझा सकते, थोड़ा सा भी जिनमें हृदय हो उनको समझा सकते, जिनका हृदय ही नहीं है भक्ति करने का, जो आए हुए ड्रामा करने दिखावा करने उनको क्या समझाएंगे, बहुत लोग ड्रामा करने आते हैं, अपने आप
कोई मूर्ख बनाते, दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। देखिए, जब तक भौतिकता शून्य नहीं होगी भगवान के पास कैसे जाएंगे? वो भौतिकता शून्य करना ही नहीं चाहते। सब कुछ ट्राई करो। मालूम है इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है नवीन नवीन माया के चंगुल में फंसिए और फंस करके संघर्ष कीजिए। इसका अर्थ ये, सब कुछ ट्राई करो का अर्थ ये, नवीन नवीन माया के चंगुल में फंसिए और फंस करके संघर्ष। इससे अच्छा तो जीवन हमारा ये होगा कि हम एक काल कोठरी में अपना जीवन त्याग दें। भक्ति कोई नहीं करे ना, तो उससे अच्छा जीवन ये होगा। कोई सब कुछ ट्राई करे उससे ज्यादा अच्छा ही जीवन ये है। कोई किसी को काल कोठरी में भर दिए और तड़प तड़प के जीवन को त्याग दिया, उससे ज्यादा अच्छा। ऐसे लोगों को समझाना ही नहीं है, हम ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए। जब वो हमारी बात समझने के लिए तैयार हो तब हम उनको समझा सकते। वो कोई और ही भाषा बोल रहे हैं, वो चाइनीज बोल रहा है, आपको चाइनीज आती नहीं है, क्या समझिए? ऐसे लोगों को नहीं समझा, नहीं समझा। आप पहले अपनी भक्ति अच्छे से की, दृढ़ता से भक्ति की, उनको क्या समझा? सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो तो हम ड्रग्स भी ट्राई कर ले, जहर भी ट्राई कर ले, क्या ट्राई कर ले बताइए, क्या लिमिट है? फिर भी अगर समझाने का हृदय हो तो एक बार ऐसे करके बता दीजिए, परंतु बताने के बाद देख लीजिए, अगर फिर भी वो कुतर्क करते हैं ज्यादा नहीं। देखिए प्लीज समझिए, मैं किसी को कुत्ता नहीं बोल रहा, परंतु जब रास्ते में कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, रात को कुत्ते अक्सर रोड पे भौंकते रहते हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता आप जाइए उनसे भिड़ जाइए। आपको कुत्ते के स्तर पे नहीं गिरना, ठीक है? कुत्ता मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं विचारों को बता रहा, गुणों को बता, व्यक्ति को नहीं बोल रहा। स्थिति में आ रहा, हम क्या करें? हम उन्हें उसके स्थिति पर जाकर के बात करें, नहीं, हमारा यही स्तर है, हम उनके स्तर पर जाकर के बात नहीं करें। क्लियर है माता जी? उस सारे संघर्षों से निकली, आप पूछती क्यों नहीं है? बारंबार पूछती क्यों नहीं है? एक बार पूछती है फिर वापस से संघर्ष करते रहती, चुप हो जाती है। क्या होगा ऐसे? ऐसे संघर्षों से निकल जाइएगा। आपको लगता है आप लोग समझिए, एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, आप लोग कष्ट सहिएगा तो मैं हमेशा ही कष्ट सहूंगा। किसी ने पूछा था कि प्रभु जी ये हो जाता है वो हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, तो आप कष्ट क्यों सहते हैं? मैं कष्ट इसलिए सहता हूँ क्योंकि आप लोग कष्ट से मुक्त नहीं होना चाहते, इसलिए कष्ट सहते हैं। क्योंकि मेरे को दिखाई देता, आप आज पूछ रही होंगी, कोई भी आज पूछेगा, कल पूछेगा, एक दिन पूछेगा, दो दिन पूछेगा, मेरे को मालूम है कौन किस संघर्ष से जा रहा है। परंतु जब आप निकलना नहीं चाहिएगा तो कैसे निकालेंगे? इसीलिए बोलते हैं पूछा कीजिए, बोलिए, मुंह से बोलिए, क्या कष्ट हो रहा है बोलिए, बोलना पड़ेगा, बोलिएगा तो स्वतंत्र इच्छा दिखाइएगा कि हमको कष्ट से निकलना है। उस समय कृष्णा की की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि हृदय में बैठे हुए हैं वो भी जागृति देंगे, यहां से भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या नहीं करना है। कम से कम ये तो समझ में आए क्या नहीं करना है। अभी क्या हम उनसे वाद विवाद करते रहते, करते रहते, करते रहते, फिर संघर्ष होता, फिर करते रहते, फिर संघर्ष होता, फिर करते रहते, उससे क्या मिल जाता? अगर चुप रहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट मानिए, पूछ लिया कीजिए, चुप मत रहा कीजिए, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कर रहे हैं, पूछिए, है ना? यस, किसी और को कोई पूछना है, कुछ पूछना है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। इतना ओपन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता कहीं पे मिलता।
पूछना है कुछ? नहीं पूछना है? हरे कृष्ण, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं हो रहा है? हाँ पक्का? हाँ हाँ पूछिए, एक नहीं 10 और पूछिए। हाँ ठीक है, डर लगना कोई गलत बात नहीं है, डर लगना कोई गलत बात नहीं है, पूछिए। गलती कीजिए तो मार पड़ेगी, और क्या होगा, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब गलत पूछिएगा तो गलती भी नहीं निकाले। मैं ऑफेंड तब होता हूं जब आप भक्ति नहीं करते, सबसे ज्यादा ऑफेंड मैं तब होता हूं। बाकी सारे ऑफेंसेस मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे को कोई ज्यादा दर्द नहीं होता। आज कल आप लोगों ने जो भी गलती की हो, एक महीना पहले, एक साल पहले, दो साल पहले, पांच साल पहले, कोई भी गलती की हो, आप अगर भक्ति करने लग जाइएगा तो आपने कितनी भी गलती की होगी मैं सब भूलने के लिए तैयार। और यकीन मानिए मेरे जैसा इंसान शायद ही मिलेगा, मैं सब सच में भूल जाता हूं, सच में भूल जाता हूं। बहुत डिवोटीज ने बहुत बुरा बुरा कार्य किया हुआ, मैं एकदम भूल गया। मेरे को सच में अभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को याद नहीं आता मैंने क्या किया था। कुछ तो बुरा किया था, ठीक है कोई बात नहीं, किया होगा। सच में भूल जाता हूँ। कृष्णा ने इस प्रकार का शक्ति दिया है कि मेरे को फॉरगेटफुलनेस बहुत अच्छा दिया है ना, मैं अच्छे से भूल जाता हूँ। आप भी कभी भी भक्ति दृढ़ता से कीजिए, हम भूल जाऊंगे। कभी कुछ किए होंगे तो हाँ मोटा मोटा कभी कुछ याद आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, भूलता है। अब तो भक्ति कर रहा है फटाफट, कोई कोई मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक बार गलती कर दी अब तो हम जीवन भर नहीं। अच्छा है गलती कर लीजिए परंतु शुद्ध हो जाए। जो पूछना पूछे, जिसको भी जो पूछना पूछे, इनफैक्ट बहुत लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार मैं आंसर इसलिए नहीं करता बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक देम रियलाइज। कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। प्रभु जी जब बाहर जाते हैं प्रसादम के लिए ऑप्शंस नहीं होता है तो दूसरों से सुनने मिलता है और प्रेशर डाला जाता है, प्रसादम नहीं मिलता तो देखिए हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए हाईएस्ट प्रिंसिपल का। अब अगर प्रसादम नहीं मिल रहा है तो कोशिश क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि घर से खा करके जाइए। पहले से आइडिया है कि प्रसादम नहीं मिलेगा, घर से पा करके कुछ जाइए, कुछ अपने साथ फल वल ले जाइए, बोलिए हमको तो फल पाने का मन। या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें अनियन गार्लिक ना, मोबाइल के पीछे तुलसी छुपा ले जाइए, उसी में चुपचाप डाल दीजिए, चुपचाप डाल दीजिए। पूरा प्रेयर करना होता है चुप रह जाइएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रेयर करते हैं तो आंख बंद करके प्रेयर करना, अब देखिए माता जी की सिचुएशन अलग है उसी लिए वैसे बता रहे हैं। करना क्या होता है, आंख बंद करके प्रेयर करना। अभी क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई दूसरी जगह कुछ पाना है, जैसे मीठा है ना, मीठे में तो क्या अनियन गार्लिक तो कोई नहीं डालेगा, कोई बात नहीं, मीठा कुछ खाने का मन, मीठा बोल दिया, मीठा कैसे कोई कुछ भी आया उसमें क्या किया, चुपके से मोबाइल के पीछे से तुलसी डाल दिया है ना, चम्मच से चला दिए, लोगों को दिखाई नहीं दिया। अब प्रेयर करना है, आंख खोल करके प्रेयर कीजिए, जैसे आंख ऐसे खुला हुआ ऐसे ही देखना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम ने भरत विष्णु में प्रभु ब्रह्म ने देवाय गौ ब्रह्म ने ताय से विवेदिता कृष्ण गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत कथा श्री श्री गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आप आंखें बंद कर रहे हैं चाहे वो 5 सेकंड के लिए ऐसे, तब भी आप हृदय में यही चिंतन कीजिए भगवान आज परिस्थिति थोड़ी खराब है, आप थोड़ा जल्दी पा लीजिए भगवान पा लीजिए। भगवान की आपकी स्थिति नहीं जानते, बिल्कुल ऑफर की क्यों नहीं कर सकते, बोल दीजिए अनियन गार्लिक खा करके मन घबरा जा रहा है तो रोटी और अचार दे दीजिए, अचार में भी आजकल अनियन गार्लिक डाल देते हैं। तो इस तरीके से कीजिए। चलिए कुछ और, थोड़ा और डिटेल होगा तो वो पूछ लीजिएगा, मुझे एक दो बार पढ़ लेने दीजिए क्या क्या लिखा। प्रभु जी जब बाहर जाते हैं तो प्रसादम के लिए ऑप्शन नहीं होता है, ओके यही तो क्वेश्चन था, आंसर करने की कोशिश की, बहुत बार करना पड़ता है ये प्रभु जी स्पेशली अराउंड नॉन डिवोटीज इन द पास्ट, ठीक कीजिए। प्रभु जी जान बूझ के बोलते हैं क्या मंत्र कर रही हो, नहीं बोलिए कि वो तो ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा, मन थोड़ा सा घबरा रहा था, मन घबरा रहा, आपको थोड़ी ना खिला रहे, मंत्र जप रहे हैं तो आपको खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हम खा रहे हैं। कुछ भी बोल दीजिए, बोल दीजिए ऐसे ही सोच रही थी, कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही, नहीं कुछ ऐसी सोच, देखिए समझिए इस बात को, हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, परंतु भक्ति को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े ना, तो झूठ सच से भी ऊंचा, ठीक है। तो आपकी स्थिति हो सकता है खराब हो, बाकियों की स्थिति अच्छी हो, तो खराब स्थिति में भी तो हम तो भक्ति करेंगे। अगर सपोज कीजिए हम स्थिति खराब है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पूर्व जन्म में पाप किए, आपको डिवोटी परिवार में भी जन्म मिल गया या अगल बगल में भक्त भक्ति करने वाले मिल गया ताकि आप लोग आपको ज्यादा कष्ट ना हो, इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल गया, तो इसका अर्थ क्या है, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा और बुरा का मेल है, ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, अच्छा भी है ना, जिस तरीके से निकालना है धीरे धीरे निकाल लीजिए। होम टाउन में जानता हूं तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता, ठीक है होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता, हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं वही तो सजा भोग रहे, चुपके से ऑफर करते हैं, बिल्कुल ऑफर कीजिए, बिना ऑफर करके नहीं पाइएगा, चाहे कुछ भी हो, उससे भी बुरा ही हो सकता है, हमारे पास तुलसी भी नहीं, बिना तुलसी के भी ऑफर कीजिए, बिना तुलसी के भी ऑफर कीजिए, आप हृदय में ये लाइए, देखिए क्या है, प्रयास हमेशा ये होना चाहिए तुलसी के साथ ही ऑफर करें, क्योंकि तुलसी के बिना ऑफर करेंगे तो कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परंतु अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ कर लिया नहीं हो रहा, अब क्या कीजिए, अगर नहीं है तुलसी तो हृदय में इस बात को लाइए कि कृष्णा देखिए आज तो हमारे पास ये ऐसा आज ही किया, अरे अगर नहीं हो रहा है तो आज तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरा हृदय इसमें यही तुलसी डालने का, अब प्लीज इसको तुलसी को स्वीकार कर लीजिए, मेरे पास है नहीं परंतु स्वीकार कर लीजिए, कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा हमारा हृदय चेक करता, हमारा हृदय चेक करता, बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो तुलसी मिल गई यही पे तो है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमेशा तुलसी हो, परंतु अगर नहीं भी हो तो हृदय इसी प्रकार का कि तुलसी डाल सकते, ऑफर कीजिए हमेशा, ऑफर करके पाइए,
देखिए इसमें भी एक बात बताएं, हायर प्रिंसिपल जानना है सभी को, जानना है यस, अगर बोलिएगा तभी बताएंगे, ऐसे भी 10:30 हो रहा है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ परंतु कोई बुरा नहीं मानेगा तब एक्सप्लेन करें, बुरा नहीं मानिएगा ना प्लीज। हायर प्रिंसिपल ये है कि हमको दूसरों के हाथों का नहीं खाना चाहिए, स्पेशली नॉन डिवोटीज के हाथों का नहीं खाना। तो कोई नॉन डिवोटी है अगर वो बना भी दे तो हमको नहीं खाना चाहिए, उनके गुण हम में आते हैं, तो हमको दूसरे के हाथ का नहीं खाना। कोशिश यही करना है हमको दूसरे के हाथ का नहीं। अब हमारे घर में हमारी माता बना दे तो हम क्या करेंगे, हम तो माता के हाथ का पाएंगे। माता नॉन डिवोटी है, हमारी माता नॉन डिवोटी है, हम क्या करेंगे, हम नहीं पाएंगे, हम तो पाएंगे हम लोग। उसी लिए हमारी व्यवस्था उसी स्थिति है ना, हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमको जनरली नहीं पाना चाहिए। ठीक है कभी कदार हुआ कि सिचुएशन खराब रहेगी तो ठीक है पागी, परंतु कोशिश की नॉन डिवोटी से नहीं पाई, या फिर डिवोटी के हाथ से मिल जाए। आप लोगों को एक बात बताते हैं, जब प्रसादम ऑफर किया था ना, इनफैक्ट अब और प्रसादम ऑफर करेंगे, और आप लोग प्लीज बताइए, मैं हम लोग कुछ मिठाई का कुछ प्रसादम का कुछ सेटअप यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे, सो दैट मिठाई रेगुलरली ऑफर करें, और बस इस्कॉन में नहीं और भी षट गोस्वामी टेम्पल है उसमें ऑफर करेंगे, अगर कोई भी टेम्पल में ऑफर करना है तो वो सब करेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें करनी है वो कभी और, परंतु उसके बारे में जिनको भी कुछ बताना हो बताइएगा। तो माता जी ने एक बात बोली थी, और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बात सुन लीजिएगा तो फिर आप समझिएगा कि मिठाई का हम लोगों का काम करना कितना इम्पोर्टेंट। माता जी ने बोला था कि आप जिनसे ऑफर, आप जिनसे मिठाई आपने खरीदी है क्या वो डिवोटी हैं? बिना डिवोटी के आप मिठाई मत खरीदिएगा, आप नॉन डिवोटी के हाथ से मिठाई मत खरीदिएगा, वो मत ऑफर करवाइएगा। स्थिति कैसी है, स्थिति ऐसी है कि खरीदा तो हम लोगों ने डिवोटी के ही फैमिली से था, एक डिवोटी है उनके पिताजी से खरीदा था, है ना, कुछ लोग जानते हैं आप में से, कुछ लोग जानते हैं, एक डिवोटी है और बहुत अच्छे डिवोटी उनके पिताजी से, उनके पिताजी भी चैंटिंग भी करते हैं, कम चैंट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, शायद 2 राउंड चैंट करते, और भगवत गीता भी डेली पढ़ते, ठीक है, तो उनसे खरीदा। अब आप समझिए, उनसे खरीदा तो था बट बहुत सारी मिठाइयां जो आई थी ना वो प्री मैन्युफैक्चर्ड थी, पहले से ही बनी हुई थी, उनके पास आई और हम लोगों ने फिर उनसे लिया, लेकर के फिर वहां से दिल्ली से लेकर के फिर यहाँ पे आए थे, फिर ऑफर किया, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि डिवोटी के ही हाथ से हम लोगों को खरीदना है, डिवोटी के ही हाथ से हम लोगों को पाना है, एटलीस्ट हम लोग मंदिर में ऑफर करते हैं तो डिवोटी के ही हाथ से ऑफर किया और ठीक है, नॉन डिवोटी के हाथ से ठीक नहीं है। तो उसी लिए प्रसादम का हम लोगों को काम करना चाहिए, और एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रसादम के नाम पे अच्छी अच्छी चीजें मिलती नहीं है कुछ भी, मतलब मैं खुद डिवोटी फैमिली कुछ कुछ आती है, अच्छा अच्छा प्रसादम ढूंढती है। एक बहुत फेमस मेरे पास बगल में रखा, मैं आपको दिखाऊं, लाइए, बहुत फेमस, मतलब शायद इससे ज्यादा फेमस शॉप वृंदावन मिठाई, ठीक है, उनका पेड़ है, ये पेड़ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा होगा
दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीनी का मोटा मोटा लंप है इसमें। ये ऑफर्ड है, ऑफर्ड प्रसादम है, तो फिर हमारे लिए तो बहुत, ये तो अनमोल है। अब ये देखिए इसमें चीनी का लंप दिख रहा होगा, मोटा मोटा वाइट वाइट दिख रहा है, हरे कृष्ण दिख रहा है, मोटा मोटा चीनी, आई डोंट नो, वाइट वाइट दिख रहा है। आप समझिए ये सबसे अच्छी, सबसे अच्छे लोग हैं जो इस प्रकार का प्रसादम बना। ये है प्रसादम बहुत अच्छा है, परंतु ऐसा चीनी चीनी खिला रहा है, भर भर के चीनी, ठीक है। तो ये हाल है बेस्ट जो सबसे ज्यादा फेमस स्वीट शॉप है उसका, समझिए बड़ा मुश्किल है, अच्छा प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल है, और डिवोटी के पास से मिलना और भी, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को काम करना चाहिए कुछ ना कुछ, यहाँ पे इसके लिए भी करना चाहिए, ताकि डिवोटी का ही हाथ लगे और कोई किसी का हाथ ना लगे। और फिर या तो ऑफर्ड हम लोग लोगों को दें, या ऑफरिंग के लिए जो ले जा रहे हैं उनको, ठीक है, क्लैरिटी है, ये हायर प्रिंसिपल उसी लिए बताया, जो बता रहा था बताते बताते बताते। हम लोगों को बाहर का पाना बड़ा, अब सपोज कीजिए ये प्रसाद बनाने वाले है तो बड़ा सा आउटलेट, प्रसाद बनाने वाले कौन होंगे? प्रसाद बनाने वाले होंगे लेबर। अब लेबर कैसे होंगे? डिवोटी होंगे कि नॉन डिवोटी होंगे? मोस्ट लाइकली नॉन डिवोटी होंगे। अब उनके हाथों से हम पा भी लें तो हम में बदलाव आएगा क्या? ठीक है कृष्णा प्रसादम है तो वो तो हाईएस्ट हो गया, कृष्णा प्रसाद में तब तो हाईएस्ट हूँ, परंतु कृष्णा को ऐसा ऑफर भी करना चाहिए, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि डिवोटी के हाथ से हम लोग ले और कृष्णा को ऑफर करें, डिवोटी प्रिपेयर करें, डिवोटी प्रिपेयर करें तभी हम ऑफर करें। ऐसे हम कहीं से भी लेंगे ऑफर करेंगे तो फिर वो ठीक है, काम चलाऊ हो गया, परंतु उत्तम तो नहीं, उत्तम बेस्ट नहीं। क्लैरिटी है सभी को, क्यों मैं ये सारी बातें बोला? यस, और किन्हीं को कुछ जानना है? ये इशू होता है, ठीक है, थोड़ा सा सावधान। माता जी 3 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, 3 वैष्णव प्रणाम, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ माता जी, पहले बताना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ज्ञानेश्वरी माता जी क्यों जा रही है अभी, क्यों जा रही है? मत जी, गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, गगन प्रभु जी प्लीज, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वांचकल्प तरुभ्यश्च, वांचकल्प तरुभ्यश्च, कृपा सिंधुभ्येव च, कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो, पतितानां पावनेभ्यो, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 ज
हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी। हाँ यस, सभी को रिमाइंड करा देना चाहिए। देखिए मैं, आप लोग जानते हैं मैं कभी भी बात करता हूँ ना तो कनेक्टेड रहता है, चीजें कनेक्टेड रहती है, मेरे को डिसकनेक्शन फील हो जाता है, मतलब अगर मैं भूल जाऊँ तो। उसी लिए क्या किया कीजिए कि अगर 10:10 से ज़्यादा हो रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, 10:10 या 12 मिनट से ज़्यादा हो रहा है और वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ, मैसेज कर दीजिए ठीक है, मैं बोल दूंगा, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो बाद में ठीक है, नहीं तो 10:10 तक तो हो ही जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हो रहा तो मैसेज कर दीजिए, सबको ही के लिए। मैं भूल जाता हूँ, आई एम रियली सॉरी, मेरा दिमाग ऐसे ही है कि बात करते रहो तो करते ही रहो, कंटिन्यूसली बात, आई एम रियली सॉरी, होना चाहिए। सॉरी, ठीक है, सबको ही ये याद रखा दीजिए, 10:10 हो गया, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ, फटाफट मैसेज कर दिया, हरे कृष्ण प्रभु जी वैष्णव प्रणाम। यस माता जी, कीर्तन सुन सकते हैं जी? प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी कितने बजे तक? 10:43, बहुत लेट हो गया। जी प्रभु जी, बस 3 मिनट हो गए, 3 मिनट। पूजा माता जी प्लीज स्टॉप।